गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो बायोलॉजिकल मीन्स होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरे धरती पे पाए जाते हैं वो किस किस टाइप के हैं। प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो इनको क्लासिफाई कैसे किया गया है। ये क्लासिफिकेशन का जिम्मा सबसे पहले एरिस्टोटल ने उठाया था। एरिस्टोटल ने कहा कि दो तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। उन्होंने कहा प्लांट को आप फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई करिए, हर्ब, श्रब एंड ट्री, और एनिमल को दो पार्ट में क्लासिफाई करिए, एनिमल विथ ब्लड एंड एनिमल विदाउट ब्लड। बट दिस वॉज नॉट अ ट्रू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कैसा था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसको दो किंगडम में बांटा गया, बट ये ट्रू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था। दूसरे तरीके से जब समझा गया तो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटिए, प्लांट एंड एनिमल। बट प्रॉब्लम क्या है, यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है पर उसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने का कारण कि वो एनिमल दिख रहा है, फोटो सिंथेसिस करने का मतलब कि वो प्लांट दिख रहा है। तो यूग्लिना कहाँ रखा जाएगा, प्लांट में कि एनिमल में? इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रूफ में नहीं रखा गया। फिर तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो आते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल ने इसी चीज को दिमाग में रखते हुए प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, यानी अर्नस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, प्लांट एंड एनिमल। और उन्होंने जितने भी प्रोटिस्टा थे उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाया, यानी अर्नस्ट हैकल के हिसाब से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा होता है, प्लांट होता है, एनिमल, और उन्होंने जो प्रोटिस्टा रखा था उसका जो मकसद था वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए था। लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, अभी इसके बारे में बात नहीं हुई थी। अब अगली बात करते हैं कोपलैंड की। कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि प्रोटिस्टा ठीक है, प्लांट ठीक है, एनिमल ठीक है, मोनेरा बढ़ा लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड में उन्होंने कहा जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे, मोनेरा में। अब आता है सबसे मेन, जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने ही पूरी क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छे से दिया था, जिसका नाम था विटेकर। विटेकर ने फंजाई को ऐड किया, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला कि जब ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले जो फोटोसिंथेसिस ना कर रहा हो पर वो प्लांट की तरह दिख रहा है तो उसको हम फंजाई में रख सकते हैं। अब आते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पे। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो वोस ने दिया था। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो वोस ने दिया था, उन्होंने समझाया कि मोनेरा को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, आर्की बैक्टीरिया
एंड यू बैक्टीरिया। तो ये चीज़ों को हालांकि रिकग्नाइजेशन में नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने मोनेरा को ही बस बदल क्लासिफाई कर दिया था। तो जो हम पूरे में पढ़ते हैं वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, क्योंकि ये चीज़ें मोनेरा का ही डिवीजन होके बनता है। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका बेसिस क्या है, यानी किस बेसिस पे इन सारे क्लासिफिकेशन को किया जाता है। वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिज्म को। यानी अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है कोई, तो उस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो चीज़ जो रखी जाएगी बेसिस के लिए, वो ये रखा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। यानी पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, whether the organism is prokaryotic or eukaryotic। अगर वो organism prokaryotic होगा तो वो हो जाएगा monera। अगर eukaryotic होगा तो उसको दो पार्ट में पढ़ेंगे कि वो organism unicellular है कि multicellular है। अगर organism unicellular निकला तो वो हो जाएगा protista। थर्ड, मल्टी सेलुलर में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि सेल वॉल है कि सेल वॉल नहीं है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके पास सेल वॉल नहीं है तो वो चला जाएगा एनिमेलिया में। और अगर सेल वॉल होगी तो उसमें दो चीजें आएंगी कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है। अगर वो ऑटोट्रॉपिक होगा तो वो आ जाएगा प्लांटेरिया, और अगर हेटरोट्रॉपिक होगा तो वहां आ जाएगा फंजाई। यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर, सेल वॉल है कि नहीं है, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है। तो ये सारे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम किसी भी क्लासिफिकेशन को करते हैं। अगर हम इसको याद करने का तरीका बताएं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन प्लांट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन प्लांट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीडिया। हम इससे ये याद रख सकते हैं कि कौन सा कब आता है। कभी कभी होता क्या है, मोनेरा प्रोटिस्टा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले प्रोटिस्टा आ जाता है बाद में मोनेरा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन प्लांट से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि कौन सा किस कैटेगरीज में किस किस पोजीशन पे आता है। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे किया गया। मैंने बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस फाइव किंगडम में इन चीज़ों सारी चीज़ों को बांटा गया जो कि विटेकर ने किया था। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोनेरा। जब हम बात करते हैं मोनेरा की तो हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। यानी पूरा डिस्कशन जो होगा वो किसके बारे में होगा, बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो हमेशा प्रोकैरियोटिक होती है। यानी कोई भी बैक्टीरिया होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक से हम क्या समझते हैं, हम ये प्रोकैरियोटिक से समझते हैं कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वेल डेवलप नहीं होगा। ठीक। दूसरी चीज हम यहां से ये समझेंगे कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इवन सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी वेल डेवलप नहीं होंगे। और लास्ट बात जो हम समझेंगे कि कोई ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा। अगर कोई होगा भी, जैसे राइबोसोम पाया जाएगा, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर नहीं है तो वो क्या है, बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में एरन बर्क, यानी एरन
बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बैक्टीरिया जो टर्म है वो एरन बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने लिया था। अब इस बैक्टीरिया के बारे में हमें क्या क्या जानना है, सबसे पहली चीज इसका हैबिटेट, यानी बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाएगा, जहां आप सोच सकते हैं वहां बैक्टीरिया पाया जाएगा। यानी आप अगर सोच रहे हैं गर्म जगह पे तो भी बैक्टीरिया, आप सोच रहे हैं कोल्ड जगह पे तो भी बैक्टीरिया, आप सोच रहे हैं माइल्ड पोजीशन है तो भी बैक्टीरिया, आप सोच रहे हैं ड्राई पोजीशन है तो भी बैक्टीरिया, आप समझ रहे हैं वेट पोजीशन है तो भी बैक्टीरिया। यानी कोई भी जगह हो, चाहे हॉट प्लेस हो, चाहे कोल्ड प्लेस हो, चाहे माइल्ड प्लेस हो, चाहे ड्राई प्लेस हो, चाहे वेट प्लेस हो, हर जगह क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया ही जाता है। अब बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होता है, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ इसके बारे में कुछ जानना है इसलिए बता रहा हूं। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है, प्रिमिटिव मतलब सबसे जो पुराने ओल्डेस्ट एंशियंट बैक्टीरिया होते थे वो सब किस में रखे गए थे, आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया जो होता है वो मॉडर्न बैक्टीरिया है, यानी जो बाद में आए हैं सारे बैक्टीरिया, थोड़े नए बैक्टीरिया हैं, वो सारे किस में रखे गए थे, यू बैक्टीरिया में। अब इसमें तीसरी चीज आती है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक एल्गी भी है बैक्टीरिया भी है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक होता है। जब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लास्ट में आता है माइकोप्लाज्मा, इसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, लेकिन एक खासियत विदाउट सेल वॉल, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ये सेल वॉल क्या है इसके बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। अब हम लोग आते हैं कुछ और चीजों पे, जैसे अगर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम शेप के बेसिस पे बात करें तो हमको स्फेरिकल शेप मिल सकता है, अगर स्फेरिकल मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे कोकाई, हमें थोड़ा रॉड शेप का भी मिल सकता है, थोड़ा रॉड जैसा दिखने लगेगा, अगर रॉड शेप का ये दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे बैसिलस, हो सकता है कि हमें ये स्पाइरल शेप का दिखे, इसको हम कहेंगे स्पाइरुलम, हो सकता है ये हमें कॉमा शेप का दिखे, इसे हम कहेंगे विब्रियो, हो सकता है ये हमें थ्रेड जैसा दिखे, जैसे थ्रेड दिखे होंगे अपने, तो थ्रेड जैसा अगर हमको दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं माइसीलियल, माइसीलियल। तो ये थे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसमें हमें एक चीज और पढ़नी होती है, कोकाई में हो सकता है कि दो बैक्टीरिया आपस में जो स्फेरिकल शेप के हैं आपस में जुटे हों, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। तीन होंगे ट्राइकोकस, चार होंगे टेट्राकोकस, इस तरीके से इसका नाम हो सकता है। हो सकता है ये बैक्टीरिया चेन में हो, अगर बैक्टीरिया आपको चेन के फॉर्म में दिखाई दे, एक लंबी सी लीनियर चेन दिखाई दे, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। एक और पॉसिबिलिटी होते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होते हैं कि ये क्लस्टर में पाए जाए, अगर ऐसा होगा तो इसको कहेंगे स्फेनोकोकस। तो ये हमारा हो गया डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्फेनोकोकस के बारे में। तो ये हमने पढ़ा बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अभी हमें बैक्टीरिया के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वेलकम बैक,
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप का होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, यानी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ही हमें पढ़ना है अभी भी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रकस, और अगर नहीं पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ए ट्रकस। बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे, ट्रकस, और अगर एब्सेंट है तो उसको नाम क्या देने वाले हैं, ए ट्रकस। ए ट्रकस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रकस में कुछ चीजें और समझते हैं कि ये सपोज कर लीजिए एक बैक्टीरिया है, उसके पास एक फ्लैजिला है। हमेशा याद रखिएगा जो फ्लैजिला का साइज होता है वो सेल के साइज से 100 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जितना छोटा फ्लैजिला है उतना छोटा छोटा सेल उतना ही छोटा फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला का साइज और सेल के साइज में बहुत अंतर हो सकता है, हो सकता है फ्लैजिला सेल से बहुत बड़ा हो। तो अगर एक बैक्टीरिया है उसके पास एक फ्लैजिला है तो उसको हम कहेंगे मोनो ट्रकस। हो सकता है कि फ्लैजिला दो, इस तरीके से अगर दो दिखाई दे रहा है तो उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। ये भी पॉसिबल है कि एक जहां से बहुत सारे क्लस्टर टाइप के दिखाई दें, यानी कुछ इस तरीके का, इसको हम कहेंगे सिफेलो ट्राइकस। यानी एक निकला है तो मोनोट्राइकस, दोनों अपोजिट हैं तो एम्फीट्राइकस, और एक ही जहां से बहुत सारे क्लस्टर जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, सिफेलोट्राइकस। अगली बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो हो सकता है कि एक बैक्टीरिया और इधर से भी बहुत क्लस्टर हो और इधर से भी बहुत क्लस्टर हो फ्लैजिला का, तो इसको हम लोग नाम देते हैं लोपोट्राइकस। अगला एक और कंडीशन हो सकता है कि एक बैक्टीरिया है, यहां से फ्लैजिला, यहां से फ्लैजिला, यहां से सारे तरफ से, तो इसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस, पेरी। ये फ्लैजिला के बेसिस पे कितने टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं वो हम समझे। अब जरा हम फ्लैजिला समझते हैं। फ्लैजिला में तीन मेन पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। यानी एक फ्लैजिला का तीन मेन पार्ट होता है, उसका बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसको जब समझते हैं कि ये क्या है, सपोज कर लीजिए बेसल बॉडी में एक चीज और याद रखिएगा, बेसल बॉडी रिंग्स की बनी होती है। हमेशा बेसल बॉडीज को अगर हमसे कोई पूछता है कि किस चीज की बनी तो हम बताएंगे रिंग्स की बनी होती है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो उसमें 4 रिंग होती है, और अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है तो उसमें 2 रिंग होती है। ये बात हम लोग बाद में समझेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया होते क्या है। सपोज कर लेते हैं ये बैक्टीरिया की बॉडी है, तो बेसल बॉडी जो होती है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में धंसी होती है और उसमें रिंग होती है। मान लीजिए हम 2 रिंग लगा दी, ये और ये दोनों क्या है, रिंग है, और ये रिंग जो है रॉड से बनी होती है। यानी ये चीज क्या है, रिंग है, और रिंग, 2 रिंग आपस में किस चीज से जुटा है, रॉड से। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बेसल बॉडी। उसके बाद बैक्टीरिया के पास आता है हुक, तो ये क्या हो गया, हुक, और लास्ट में वहां से क्या निकलता है, फिलामेंट। ये फ्लैजिला का कुछ स्ट्रक्चर था। फ्लैजिला हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का। फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में। फ्लैजिला जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है वो अंदर से होलो होता है ज्यादातर,
और जो यूकेरियोट्स में पाया जाता है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। जब हम यूकेरियोट्स पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे फ्लैजेला 9+2 का अरेंजमेंट क्या है। यानी यहाँ पर फ्लैजेला सिर्फ एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई 9+2 का अरेंजमेंट नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल्स का माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो ये बात होती है किसके बारे में, फ्लैजेला के बारे में, यानी एक फ्लैजेला किस चीज़ का दिखता है। ये जो फिलामेंट होता है ये फ्लैजिन नाम के प्रोटीन का होता है। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि किस चीज़ का बना है तो हम कहेंगे फ्लैजेलिन नाम का एक प्रोटीन है जिससे यह पूरा फिलामेंट बना होता है। तो ये पूरी बात हुई हमारी फ्लैजेला के बारे में एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। थैंक यू, वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग का मतलब समझते हैं। ग्राम स्टेनिंग तो ये मतलब है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कितने बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कितने बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हैं। इस चीज को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, और इन्हीं के नाम पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अलग क्यों होते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव, इसके ऊपर एक सेल वॉल पाई जाएगी और इसके ऊपर भी सेल वॉल पाई जाएगी। पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक होगी, वहीं जो ग्राम नेगेटिव है उसकी जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी। ये पहला डिफरेंस हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जो सेल वॉल होगा वो बना होगा पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, और ये काफ़ी रिच होगा टिकोइक एसिड से, टिकोइक एसिड से, यानी पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस लॉट्स ऑफ टिकोइक एसिड। इसका सेल वॉल भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन का है, पर विदाउट टिकोइक एसिड, इसके अंदर टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। ये यहीं तक है, लेकिन यहां पर आइए, इसके पास एक और सरफेस पाया जाएगा जो कि लाइपोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड की बनी होगी, जो कि इसके केस में नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अंतर क्या है, सेल वॉल इसकी थिक है, इसकी थिन है। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन जिसमें टिकोइक एसिड ज्यादा है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो है लेकिन टिकोइक एसिड नहीं है। इसके पास आउटर सरफेस पे लाइपोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड है, इसके पास ऐसा नहीं होता है। अब हम समझते हैं ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है। ग्राम स्टेनिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्लाइड लेते हैं और स्लाइड के ऊपर हम बैक्टीरियाज को रख देते हैं। अगर आप सोचेंगे बैक्टीरिया आएगा कहाँ से, तो हम सबसे आसान तरीका इसका है कि आप दही ले लीजिए, इसके ऊपर इसको हीट कर दीजिए खूब तगड़ा। जब ये हीट हो जाए तो इसके ऊपर क्रिस्टल वॉलेट डाल दीजिए और ये क्रिस्टल वॉलेट को स्टेनिंग करने दीजिए 30 से 60 सेकंड के लिए। जब क्रिस्टल वॉलेट आप डाल दीजिए तो आप इसके ऊपर इसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए और ये भी 30 से 60 सेकंड तक छोड़ दीजिए। 30 से 60 सेकंड छोड़ने के बाद इसको आप वॉश कर दीजिए। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास दो तरीके के बैक्टीरिया दिख रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो आपको पर्पल कलर के दिखाई देंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो वॉश करने के बाद अपने नॉर्मल कलर पे आ जाएंगे, मतलब नो पर्पल कलर। अगर वो पर्पल कलर के हो गए तो इसका मतलब यह है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन ने क्या किया है, आयोडीन को एब्जॉर्ब किया है, जिसके वजह से वो पर्पल हो गए हैं। तो यानी ऐसे जितने बैक्टीरिया होंगे सब ग्राम पॉजिटिव होंगे।
जो पर्पल स्टेनिंग ले लेंगे, जो पर्पल स्टेनिंग नहीं लिए थे आप उस पर सेफ्रेनिन डाल दीजिए, सेफ्रेनिन। और जैसे ही आप सेफ्रेनिन डालेंगे तो वो सारे बैक्टीरिया अब रेड हो जाएंगे। रेड होने का मतलब है कि वो लाइपोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड जो था उनके ऊपर, उसने किसका स्टेन लिया है, सेफ्रेनिन का, तो वो कैसे हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव। तो ये बात थी कि हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइड कि ये वाला ग्राम बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। थैंक यू, वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, अगर मैं बैक्टीरिया लिख रहा हूँ तो प्लीज़ ये दिमाग में रखिएगा कि हम लोग बात मोनेरा के बारे में कर रहे हैं, यानी पूरी कॉन्सेप्ट जो भी, यानी हम सीधे बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इन मोनेरा दो तरीके से हो सकता है, या तो एरोबिक कंडीशन होगी या तो एनारोबिक कंडीशन होगी। एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन में अंतर ये होता है कि एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन ज़रूरी है, एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं होता। एरोबिक कंडीशन का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है टू पायरुविक एसिड में, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब जरा इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, वहीं बाकी सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। जब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की तो हम पहले ही जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या हुआ, उसका ये मतलब हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के पास ऐसी सेल है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल ऑर्गेनल्स है, यानी बैक्टीरिया के पास सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इसका मतलब ये कैसे होता होगा, अब यहीं पर समझना है। इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द केस ऑफ बैक्टीरिया ऑल दिस प्रोसेस मीन्स क्रेब्स साइकिल, ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एवरीथिंग हैपन इन मीसोसोम्स। मीसोसोम ये एक साइटोप्लाज्मिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि बैक्टीरिया के केस में पाया जाता है, जहां पर एरोबिक कंडीशन में हो पाता है। दूसरी कंडीशन अगर हम लोग चलते हैं एनारोबिक के बारे में, अब समझते हैं एनारोबिक में क्या होता होगा। एनारोबिक में मोस्टली तीन चीजें हैं। पहली चीज अगर हम लोग ऐसे समझें तो सबसे आसान है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। दूसरी को हम कहते हैं प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन। और तीसरी को कहते हैं डीकेइंग। क्या होता है अंतर, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज, या हम ऐसे समझें कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन करता है और बना लेता है एनर्जी, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिली तो फर्मेंटेशन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। प्यूट्रिफिकेशन में यही चीज होता है, यहाँ पर प्रोटीन टूटता है और एनर्जी देता है। तो अगर प्रोटीन टूट के एनर्जी मिल रही है तो इसको हम प्यूट्रिफिकेशन कहेंगे। और अगर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो टूट रहा है और एनर्जी दे रहा है तो उसको हम डीकेइंग कहेंगे। तो एनारोबिक की कंडीशन में ये केसेस होते हैं और एरोबिक की कंडीशन में ये केस होता है। अब इन दोनों के बेसिस पे बैक्टीरिया चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स,
ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन जो है वो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये जिंदा तभी रहेंगे जब ऑक्सीजन होगा, बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं। दूसरा आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब है कि ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 100% एब्सेंस, मतलब जरा सा भी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स। अगला आता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। अगर हम फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात कर रहे हैं, यानी हम यहां वर्ड यूज कर रहे हैं एनारोब्स, तो ये मतलब होगा कि ये नॉर्मली जो है एरोबिक है, बट कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन। मतलब एनारोबिक कंडीशन भी है तो ये एरोब्स, लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन आ भी गई ना तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला होता है फैकल्टेटिव एरोब्स, यानी ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये नॉर्मली जो होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, और इन सम केसेस कैन सर्वाइव, ये कुछ केसेस में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने बताया बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे, चार प्रकार के होंगे, जिसमें ऑब्लिगेट एरोब्स होगा, ऑब्लिगेट एनारोब्स होगा, फैकल्टेटिव एनारोब्स होंगे, फैकल्टेटिव एरोब्स होंगे। तो ये पूरी कहानी हुई हमारी बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन की। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटरोट्रॉपिक होता है। थैंक यू, वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में। समझते हैं कि कैसे होता है बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। दो तरीके से बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कर सकता है। ऑटोट्रॉपिक में दो तरीका है, या तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा, या तो बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करेगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की ना कि प्लांट की, तो फोटोसिंथेसिस जो हम प्लांट में पढ़ते हैं, थोड़ा सा वो फोटोसिंथेसिस डिफरेंट होगा इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस के केस में अगर हम प्लांट की बात करें तो वहाँ क्लोरोफिल ए बी सी डी पाया जाता है, पर इन द केस ऑफ बैक्टीरिया वी आर नॉट गेटिंग क्लोरोफिल ए बी सी डी। यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वेरिडिन कर पाते हैं। बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे यहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। हम समझेंगे वाटर के जहाँ पर, यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, जो कि हाइड्रोजन डोनर का काम करता है। फोटोसिंथेसिस अगर हम समझें तो नॉर्मल प्लांट जो होते हैं, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यही लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म C6H12O6, ठीक, प्लस ऑक्सीजन निकल जाता है, प्लस वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, इसको कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर वाटर निकल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सेव, पर इन द केस ऑफ वाटर यहां पर H2S गैस का इस्तेमाल होता है। इन द प्लेस ऑफ क्लोरोफिल यहां पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडीन का इस्तेमाल होता है। सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर ऑल्सो, सनलाइट यहां पर भी चाहिए थी, सनलाइट तो यहां पर भी चाहिए,
बनेगा यहाँ पर भी C6H12O6, पर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं बनता है और सिर्फ निकलता क्या यहाँ पर है, सल्फर निकलता है। क्या निकलता है? सल्फर। और इसे कहते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के निकले फोटोसिंथेसिस हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और ये स्पेशली हम ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस पाते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी वाला जो बैक्टीरिया होता है वहाँ पर ये होता है। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि एटमॉस्फियर से अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइड्स में, और नाइट्राइड्स को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में। तो यहाँ पर केमिकल से खाना बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेसिस। और ये हम लोग नॉर्मली कुछ प्लांट्स कुछ बैक्टीरिया में पाएंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास। एग्जांपल यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे तो हम बता सकते हैं नाइट्रोसोमोनास। अब आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक में जो सबसे पहला होता है उसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया जो बैक्टीरिया डेड एंड डिकिंग सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं, डेड डिके सब्सटेंस पे, जो डेड डिके सब्सटेंस पे डिपेंड होते हैं उनको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। जैसे क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। अगला सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक मतलब होता है कि बैक्टीरिया जिस भी होस्ट पे डिपेंडेंट होगा वो होस्ट और बैक्टीरिया दोनों लोग आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम वो डिपेंड होता है लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस प्लांट क्या करता है, इनको शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है, फूड दे रहा है। वहीं बैक्टीरिया किस पे डिपेंड हो जाते हैं, राइजोबियम यानी लेगुमिनस प्लांट। और ये बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोनों लोग आपस में क्या है, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हो गए। लास्ट केस हम लोग पढ़ सकते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब हो गया वह बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर डिपेंड हो रहे हैं बैक्टीरिया तो इसका मतलब उनका पूरा होस्ट कौन हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। और जितने भी डिजीज कॉजिंग जैसे विब्रियो कॉलरेई ये क्या है, ये जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो जनरली पैरासिटिक होते हैं। वो ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाते हैं और उनसे सारी बेनिफिशियल चीज़ें लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म डिजीज में चला जाता है। तो ये बातें हुई कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया किस तरीके से होता है। थैंक यू, वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन होता है। अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की, यानी हाउ डज द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मोनेरा, यानी मोनेरा में रिप्रोडक्शन किस हिसाब से होता है समझते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की, तो हमें ये दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। एक नॉर्मल सी बात है एसेक्सुअल, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग नाम देंगे सेक्सुअल। यानी बैक्टीरिया के केस में दो तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यानी जहाँ दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, दो लोग इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो सेक्सुअल होगा, जहाँ एक लोग इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में कई केसेस होते हैं। सबसे पहला केस तो ये हो रहा है कि अगर कंडीशन फेवरेबल है, फेवरेबल मतलब जैसा बैक्टीरिया को चाहिए वैसी कंडीशन है, तब बैक्टीरिया करेगा बाइनरी फिजन। कैसे करेगा बैक्टीरिया बाइनरी फिजन? सपोज कर लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं उसके जेनेटिक मटेरियल की, दैट इज डीएनए। यानी सबसे पहले क्या होगा, ये जो डीएनए है वो डिवाइड होके दो बनेगा, इसको हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेट होके दो बनेगा और ये दो डीएनए हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा साइटोकाइनेसिस,
और तब ये क्या हो जाएगा, दो अलग अलग बैक्टीरिया बन के तैयार। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। सपोज कर लीजिए कि अगर बैक्टीरिया के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन, तब ऐसे केस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन यानी इन द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया जो होता है वो हमेशा स्पोर फॉर्मेशन करता है, उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर, यानी जो स्पोर बनेंगे वो अंदर की ओर बनते हैं। क्या होता है, सपोज कर लेते हैं ये बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए है यानी जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स, और इस कॉर्टेक्स के अंदर ये डीएनए जो होगा लगातार रेप्लिकेट करेगा, ढेर सारा होगा। फिर ये कॉर्टेक्स जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होके ढेर सारे डीएनए बनेंगे और सबके ऊपर नई साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन या एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और एक स्टेज और होता है जो बहुत ही रेयरेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं बडिंग। यानी अगर हमसे जनरली कोई पूछे कि बैक्टीरिया में कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, तो हम बता सकते हैं बैक्टीरिया में ए सेक्शुअल में फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन होगा तो बाइनरी फिशन, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन, वो भी एंडोस्पोर, और बहुत ही रेयरेस्ट में क्या हो सकता है, बडिंग हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल की, यानी हाउ डज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। इसमें जो हमें सबसे पहली चीज समझना है कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ दो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा हम ये समझेंगे क्योंकि इनके पास सेक्स ऑर्गेन नहीं है। तो इसमें होता क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यानी इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ बैक्टीरिया व्हाट हैपेंस, जेनेटिक मटेरियल गेट एक्सचेंज। जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज। इसमें सबसे पहला चीज होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस वॉज एक्सप्लेन बाई अ साइंटिस्ट ग्रिफ्ट। ये चीज किसने बताई थी, ग्रिफ्ट ने, जिसमें बोला गया अ बैक्टीरिया कैन ट्रांसफॉर्म द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अनदर बैक्टीरिया। यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांस डक्शन। दिस वॉज गिवेन बाय लेडरबग, लेडरबग ने इसमें बताया था कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड टू अनदर बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कुछ खास नहीं, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस, या बैक्टीरिया के वजह वायरस अटैक करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तीसरा और आखिरी जो होता है वो थोड़ा सा अलग है, जिसको हम कहते हैं, उसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है विद द अदर बैक्टीरिया, इन विच वन बैक्टीरिया हैव फर्टिलिटी फैक्टर और दूसरे वाले में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता। फर्टिलिटी फैक्टर एक बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसफर करता है, और तभी ये दूसरा वाला जो होता है वो बाइनरी फिशन कर सकता है। मेरी बात समझिएगा कि जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर्स होगा यानी जिस बैक्टीरिया में होगा वही बाइनरी फिशन कर पाएगा, तो अगर इसमें नहीं है तो ये बाइनरी फिशन नहीं कर सकता। तो फर्टिलिटी फैक्टर जो होता है वो ट्रांसफर होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसमें होता है उसको प्लस स्ट्रेन कहते हैं, इसमें नहीं होता उसको माइनस स्ट्रेन कहते हैं। वो ट्रांसफर होता है, जब इसके अंदर भी फर्टिलिटी फैक्टर आ जाएगा तभी ये क्या होगा, आगे रिप्रोडक्शन यानी आगे बाइनरी फिशन हो सकता है। ये बात टॉटम एंड लेडरबग दोनों ने एक साथ कही थी, दोनों ने समझ के एक ही चीज कही थी कि फर्टिलिटी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात हुई रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में।
वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनो बैक्टीरिया, अगर हम साइनोबैक्टीरिया को समझें तो साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी BGA। साइनोबैक्टीरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू गिव ऑक्सीजन। पृथ्वी पे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसने जिस पहला ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिलामेंटस होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कॉलोनीज में भी पाया जाता है, कॉलोनियल। तो हमने यहाँ पर समझा कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं और ये कॉलोनियल। फिलामेंट्स का मतलब है ये इस तरीके से लंबे लंबे, इस तरीके से भी हो सकते हैं, और इवन ये कॉलोनीज एक साथ ढेर सारे भी पाए जा सकते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी बात, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होते हैं, पर साइनोबैक्टीरिया के पास कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता। एक स्ट्रक्चर इसका समझें, यानी एक एग्जांपल ले लें, नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक है विच इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इसके पास एक ऑर्गन पाया जाता है, एक पार्ट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट करता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट, तो हम बता सकते हैं इट हैज बीन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय एन एंजाइम, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम जो होता है वो हेट्रोसिस्ट करता है। नॉस्टॉक में ये चीज हम देख सकते हैं। एक टिपिकल साइनोबैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये कुछ है, जिसमें हम बाहर की ओर एक और एक अंदर की ओर दो अलग अलग प्लाज्मिड देखेंगे। बाहर वाले को हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्मिड, अंदर वाले को कहते हैं एंडोप्लाज्मिड। और ये आप जो देख रहे हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि थायलाकॉइड दिखाया होगा, ग्रेना देखा होगा आपने, तो यहाँ पर सिर्फ थायलाकॉइड होता है, ग्रेना नहीं होता है, ये थायलाकॉइड है। और ये थायलाकॉइड के अंदर वो पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोफिल ए, स्केलेटोनाइड, फाइकोबिलिन, जिंथोफिल, जो कि मदद करते हैं इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया कैन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कैन लिबरेट ऑक्सीजन। तो ये जो होता है वो किसके वजह से होता है, ये थायलाकॉइड में प्रेजेंट जो पिगमेंट है उनकी वजह से। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि हम DNA कह सकते हैं, और क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होगा, और जो राइबोसोम होगा वो कितने का होगा, 70S का। तो ये बातें थी साइनोबैक्टीरिया के बारे में। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्किबैक्टीरिया की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी साइनोबैक्टीरिया के बारे में। आर्किबैक्टीरिया की बात करें तो ये सबसे पहली बार द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, यानी सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसको हम कहते हैं आर्किबैक्टीरिया। इसकी खासियत ये है कि ये प्रोकैरियोटिक है बाकी बैक्टीरिया की तरह, और इसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है आर्किबैक्टीरिया की, वो सबसे पहली चीज होती है सेल मेम्ब्रेन। इसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रांच्ड लिपिड से बनी होती है, यानी जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रांच लिपिड से बनी है प्लस हाइड्रोकार्बन। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो इसकी है वो है सेल वॉल की। मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे पहले एक लेयर आएगी जिसको हम लोग नाम देते हैं मुरानिक एसिड, और उसके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाएगा, उसको हम लोग नाम देते हैं एस प्रोटीन।
दोनों को मिला के बनी है सेल वॉल किसकी, आर्की बैक्टीरिया की, तो ये खासियत होगी आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल की। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि इतनी मोटी कवरिंग होने की वजह से दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाई लाइसोसोम्स, लाइसोसोम से इनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन से होता है, बाइनरी फिजन। तो ये बात हुई आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया को तीन अलग अलग जहां पाए जाने के कारण इनको तीन अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। पहला मीथेनोजेंस, मीथेनोजेंस, दूसरा थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं हेलोफिल्स, हेलोफिल्स। मीथेनोजेंस मीथेन गैस के फॉर्मेशन में मदद करता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा के यानी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराने में मीथेनोजेंस जो होते हैं हेल्प करते हैं, मीथेन में फॉर्मेशन करते हैं। ये हमेशा मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। तो मार्शी एरियाज में जितने आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मीथेनोजेंस। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर को और एसिड को दोनों को अगर कोई बेयर कर सकता है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं थर्मो एसिडो एसिडोफिल्स, और इसका एग्जाम्पल होता है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, ये बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। और इनकी खासियत क्या है कि ये हाई टेम्परेचर और एज वेल एज कह सकते हैं कि हाईली एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस को ये बेयर कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। नेक्स्ट आता है हमारा हेलोफिल्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये बात हमारी हुई आर्की बैक्टीरिया के बारे में। इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम यूजफुल भी ले सकते हैं और हार्मफुल भी ले सकते हैं, यानी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं बैक्टीरिया की और क्या क्या बुराइयाँ भी हैं। तो अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो मेरे पास दो कैटेगरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूज़फुल की। यूज़फुल में जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है उसमें हम बैक्टीरिया को लेते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है ये पहले तो बहुत स्मॉल छोटे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता था, लेकिन अब लार्ज इंडस्ट्री में होता है। इन द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड चीज़, कर्ड और चीज़ को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में क्या इस्तेमाल होता है, कई बार बैक्टीरिया को एज ए होस्ट लिया जाता है, और स्पेशली ईकोलाई को, बैक्टीरिया ईकोलाई जो है उसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एज ए होस्ट, जिसको हम लोग क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वो आता है पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पेस्ट से रेजिस्ट कर सकते हैं अपने आप को, तो इन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग कुछ फल या हम कह सकते हैं कुछ प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, जिसके वजह से उस फल में बैक्टीरिया नहीं लगता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मतलब एक बैक्टीरिया, उसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंगेनेसिस। इसके जेनेटिक मटेरियल को निकाल के कॉटन में डाला जाता है, जो कि पेस्ट से रेजिस्टेंस करने में मदद करता है। आप लोग बहुत नाम सुनेंगे बीटी ब्रिंजल का, तो बीटी ब्रिंजल भी इसका एग्जांपल हो सकता है। पेस्ट रेजिस्टेंट के बाद हमारे पास आता है फाइबर रेटिंग, फाइबर रेटिंग।
फाइबर रेटिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग बास्ट फाइबर का नाम सुने होंगे। बास्ट फाइबर होता क्या है कि अगर ये हमारा पूरा एक स्टेम है तो इसमें जो हमारा फ्लोएम का पार्ट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बाहर का जो पोर्शन है वो बेकार है। तो कुछ बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं ताकि वो बाहर के पोर्शंस को रिमूव कर सकें और हम सिर्फ जो जूट यानी जूट बना सकें वो फ्लोएम का बना सकते हैं। तो ये बाहर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मदद कर सकता है। इसके अंदर आगे अगर हम लोग चलेंगे तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा है। सो बैक्टीरिया कहते हैं क्लॉस्ट्रिडियम नाम का वो बैक्टीरिया है जो फाइबर रेटिंग में मदद करता है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास आता है सेल्यूलर डाइजेशन। कई जगह सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है रूमिनोकोकस। अगली बात आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत जहां सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सीडोमोनास, लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है इक्शिया कोलाई, जो कि मदद करता है इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व को बनाने के लिए। अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लास्ट आता है बायो फर्टिलाइजर यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोसोमोनास नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है। तो ये कुछ बातें थी यूजफुल के बारे में। हार्मफुल क्या है, हम लोग जानते हैं कि विब्रियो कॉलरी जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉलरा फैलाते हैं, फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, हार्मफुल हो गए। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, बैक्टीरिया के यूजफुल नेचर्स। थैंक यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पोर्शन ऑफ द मुनेरा का सबसे लास्ट पोर्शन चलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के किसी भी पार्ट में नहीं रखे गए, लेकिन उन्हें हम मुनेरा के साथ पढ़ते हैं, हालांकि वो मुनेरा में काउंट नहीं होते हैं। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहला माइकोप्लाज्मा। कहते हैं कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। अगर हमसे कोई कहे कि सेल वॉल वाला सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तब तो हम बैक्टीरिया लेंगे, लेकिन अगर विदाउट सेल वॉल कोई बोलने वाला है तो हम उसका नाम क्या लेंगे, माइकोप्लाज्मा। दूसरी बात, ये एक पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मतलब होता है कि डिजीज कॉजिंग ये कई सारी बीमारियों को फैलाता है। अगली चीज वायरस। वायरस जो टर्म है वो वेनम से आता है और वेनम वर्ड जो दिया गया था वो पाश्चर के द्वारा दिया गया था। कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई सेल नहीं है, यानी कोई सेल वाला पार्ट नहीं है। उसके पास सिर्फ पाया क्या कहा जाता है, जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है और कैप्सिड नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये लिविंग नहीं रहेगा। अगर इसको होस्ट मिलना है तभी ये लिविंग है, नहीं तो ये नॉन लिविंग है। इसीलिए ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि ये तभी जिंदा रहता है जब होस्ट है, और अगर होस्ट नहीं है तो ये लिविंग नहीं है। इसके पास दो पार्ट मैंने बताया, कैप्सिड और जेनेटिक मटीरियल। कैप्सिड मतलब हो गया तो इसकी प्रोटीन की कोटिंग होती है। अगर हम देखें तो इस तरीके से कुछ वायरस होगा तो ये जो कोटिंग है ये कैप्सिड की होती है, जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके पास दो हो सकता है, मतलब दो तरीके का हो सकता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, और हो सकता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो। अगर रिट्रोवायरस है तो आरएनए होगा, एनिमल कोई का हुई वायरस है तो उसको क्या हो जाएगा, डीएनए। वायरॉइड्स क्या होते हैं, अगर कोई वायरस जिसके पर ये कैप्सोमियर ना पाया जाए, यानी नेकेड जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेकेड है, तो उसको हम वायरॉइड्स कहते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। प्रायोन्स क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ ये वॉल है, ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ही हार्मफुल हो जा रही है, तो इसको हम प्रायोन्स कहते हैं। लाइकेन्स क्या आते हैं, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन किसका है, एल्गी का और फंजाई का, एल्गी और फंजाई का, जहां एल्गी को
फाइकोबायोंट कहते हैं, फाइकोबायोंट, और फंजाई को माइकोबायोंट, माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट फूड का फॉर्मेशन करता है, वहीं माइकोबायोंट शेल्टर और वाटर का फॉर्मेशन, यानी वाटर को ट्रांसफर करता है एल्गी को, फूड ट्रांसफर होता है फंजाई को, और दोनों लोग आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, और दोनों लोग मिलकर बनाते हैं लाइकेंस। लाइकेंस सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, अगर पॉल्यूशन होगा तो लाइकेंस नहीं पाया जाएगा, तो लाइकेंस इज अ इंडिकेटर फॉर द पॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोटिस्टा के बारे में, हमने प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को समझा था। आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है हमें यह जानना कि एल्गी क्या होती है। अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये एल्गी मोनेरा में पढ़ेंगे तो उसमें भी पाया जाएगा, प्रोटिस्टा पढ़ोगे तो उसमें भी पाया जाएगा, प्लांट ही पढ़ोगे तो उसमें भी पाया जाएगा, यानी एल्गी हर जगह पाई जाएगी आपको। अगर हमसे मोनेरा में बोलोगे तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ाएंगे, प्रोटिस्टा के बारे में बोलोगे तो गोल्डन एल्गी पढ़ा देंगे, प्लांट ही बोलोगे तो ग्रीन रेड ब्राउन एल्गी बताएंगे, आगे चल के इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एल्गी है? सबसे पहली बात, जितनी भी एल्गीज होते हैं वो सब एक्वाटिक होते हैं, यानी सब के सब पानी में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, और अगर अपना खाना खुद से बना सकते हैं तो ये सब कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो एल्गी की अगली कैटेगरी क्या मिल गई कि ये सब सारे कैसे होंगे? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस तभी कर सकते हैं जब इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। तो इसकी तीसरी चीज क्या मिल गई कि इनके पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। अब आता है कि एल्गी क्या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, इसीलिए इनके पास पाया जाता है यूनिसेलुलर सेक्सुअल ऑर्गन्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होता है, और एल्गी में ये दोनों स्टेज पाई जाती है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। जब हम गैमेट्स का फॉर्मेशन समझते हैं, यानी ऐसे समझिए कि जो स्पर्म है वो ओवम है, वो गैमेट है, तो वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो गैमेट जब तक है तो उसको गैमेटोफिटिक, लेकिन जब दोनों फ्यूज होता है जायगोट बन जाता है, तो वो जो होता है उसको समझ लीजिए कि वो एक स्पोरोफिटिक स्टेज है। तो हम ये तो ह्यूमन बींग के केस बता रहे हैं, इसी को प्लांट के तरफ से समझिए कि जो गैमेट होंगे वो गैमेटोफिटिक स्टेज हो जाएगी, और जो डिप्लॉयड स्टेज आती है यानी फ्यूजन होने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफिटिक वाली स्टेज होती है वो बड़ी होती है, और जो लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक स्टेज की आती है वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए इनकी पूरी लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक तीन तरीके की लाइफ साइकिल होती है, लेकिन अभी हम यहाँ बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि गैमेटोफिटिक स्टेज अगर पूरी लाइफ में ज़्यादा है और स्पोरोफिटिक स्टेज कम होता है, तो उसे हम हैप्लॉन्टिक कहते हैं, जो कि एल्गी की लाइफ साइकिल होती है। अब जो क्लोरोफिल एल्गी में पाया जाता है वो कई तरीके का हो सकता है, जैसे अगर हम सारी एल्गी की बात करें, चाहे वो रेड ब्राउन कोई भी एल्गी ले लोगे, तो सब में क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा, यानी क्लोरोफिल ए इज कॉमन इन ऑल एल्गी, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर ग्रीन एल्गी है या यूगलिना है तो ए के साथ बी भी पाया जाएगा, यानी याद ये करना है कि ए तो सब में हो गया, अगर ग्रीन है तो उसमें बी पाया जाएगा, अगर ब्राउन है यानी क्लोरोफिल ए तो होना ही है सब में, ब्राउन वाले में सी भी हो जाता है, और अगर रेड एल्गी मिल जा रही है तो उसमें क्या होगा, ये ए तो रहेगा ही, फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन होती हैं जो कि रेड एल्गी को रेड अपीयरेंस देते हैं। तो ये बातें हैं कुछ एल्गी के बारे में। अब हम जा रहे हैं प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को पढ़ने, और प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन में जो मैंने पहला बताया था उसका नाम क्या था? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा है क्या? मैंने बताया कि गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइटा का कॉमन नेम है, अगर कॉमन नेम पूछेगा तो गोल्डन एल्गी। जितने भी क्राइसोफाइटा है वो सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से सबको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कहते हैं कि 80% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द केस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की वजह से 80% ऑक्सीजन जो हम लोग पाते हैं वो 80% ऑक्सीजन कहाँ से आता है? क्राइसोफाइटा से होता है।
क्राइसोफाइटा के पास सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन उस सेल वॉल पे सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका का डिपोजिशन होने के वजह से क्या होता है, जब ये क्राइसोफाइटा गोल्डन एल्गी या इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं डाई एटम्स, ये डेड हो जाता है, तो ये लेयर जो होती है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होती है, और डिपॉजिट होते होते एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं डाई एटोमोनियस, डाई एटोमोनियस अर्थ, डाई एटोमोनियस अर्थ, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये जब एक दूसरे पर डिपॉजिट होता है एक बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये बात हुई क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं पिन्नेट और एक को कहते हैं सेंट्रिक। कैसे पता चलेगा पिन्नेट क्या है, कौन सा सेंट्रिक है? अगर सोप के डिब्बे के जैसा है, जैसे ये है, उसके बाद सोप का डिब्बा खोलने बंद करने के लिए, तो उसको हम पिन्नेट कहते हैं। पर अगर गोल है एकदम पेट्रल डिस्क के जैसा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रिक कहते हैं। जो पिन्नेट होता है ये हमें पढ़ना है, सेंट्रिक वाला हमें नहीं पढ़ना है। पिन्नेट वाले को मैंने बताया सोप जैसा, इसको बताया मैंने पेट्रल जैसा। पिन्नेट वाला बायलैटरल होता है, यानी सिर्फ एक तरीके से, यानी अगर ऐसी चीजें हैं सिर्फ एक पोजीशन से इनको इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, बाकी कहीं से भी काटेंगे इक्वल हाफ नहीं कटेगा। लेकिन रेडियल क्या होता है कि कहीं से भी काटिए इक्वल हाफ में कट जाएगा। तो सेंट्रिक क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, और पिन्नेट की क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। फिर आते हैं आगे, ये एक डिप्लॉयड है, यानी 2n स्टेज का है, और इसके अंदर सेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखे जाएंगे। फ्लाजिला इनके अंदर नहीं होता है, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो पॉलीसेक्राइड है। और अगर पिन्नेट का हमसे स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम में, तो हम दिखाते हैं कि साबुन के जैसे के डिब्बे के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। जो ऊपर का कवर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इपीथिका, और जो नीचे का कवर होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथिका। तो ये बात हुई क्राइसोफाइटा की। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमें इसके बाद पढ़ना है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ डाइएटम्स। डाइएटम्स के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डाइएटम्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डाइएटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये रिप्रोडक्शन माइटोसिस के बेसिस पे होता है, और दूसरी चीज रात को होता है, ड्यूरिंग नाइट। अब ये होता कैसे है, जनरली हमने पढ़ा कि एक डाई एटम्स में दो वॉल पाया जाता है, जिसमें जो बड़ा वाला है उसको हम इपीथिका कहते हैं, इपीथिका, और जो छोटा वाला है उसको हम हाइपोथिका कहते हैं, जो कि एक सोप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा होता है। ये अंडरगोज होता है माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस में भी सिर्फ क्या होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस होने पे होता क्या है कि न्यूक्लियस के दो पार्ट हो जाते हैं, और एक तरफ आपका इपीथिकम और दूसरी तरफ हाइपोथिकम, और धीरे धीरे इसके अंदर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होता है, पर दोनों साइटोप्लाज्म अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो माइटोसिस होने पे दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा, दोनों अलग हो गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों ही केस में हाइपोथिका का फॉर्मेशन होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये डिवाइड हुए, यानी ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया,
अब हाइपोथिका का फॉर्मेशन दोनों ही केस में होने के मतलब दोनों में छोटे वाले, यानी इसमें भी छोटा वाला ही फॉर्मेशन हुआ, इसमें भी छोटा वाला ही फॉर्मेशन हुआ, यानी ये हो गया अब इपीथिका, ये हो गया हाइपोथिका, ये हो गया आपका इपीथिकम, ये हो गया आपका सॉरी, ये हो गया आपका हाइपोथिकम, ये हो गया आपका इपीथिका। अब आगे जब ये डिवीजन होगा ठीक इसी तरीके से, एक तो नॉर्मल साइज का मिल जाएगा, पर एक क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा। पर इस केस में क्या होगा, ये और स्मॉलर होगा, ये फर्दर स्मॉलर होगा, और धीरे धीरे इसकी साइज क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी, साइज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो इन द केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है डायएटम्स के लिए, कि उनकी साइज जो होती है वो धीरे 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 क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए वो करते क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनके में दो तरीके हो सकता है, अगर पिनेट होगा तो अलग तरीके से होगा, सेंट्रिक होगा तो अलग तरीके से। यानी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ क्यों होता है, ताकि साइज रिड्यूस ना हो सके। साइज एक बार ये हुआ, अब यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो साइज जो होगी वो मेंटेन होगी, फिर आगे चल के फिर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो साइज को सही रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, दो तरीका है। अगर पिनेट टाइप का होगा तो उसमें कंजुगेशन होगा, और अगर सेंट्रिक टाइप का होगा तो उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले समझते हैं कि कंजुगेशन और गैमेट फॉर्मेशन क्या है। कंजुगेशन में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, वहीं गैमेट फॉर्मेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। तो कंजुगेशन में होने क्या वाला है, कंजुगेशन में दो डाई एटम्स अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें होगा क्या कुछ इस तरीके से, दो डाई एटम्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनका न्यूक्लियस हो गया, ये उनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा है। अब दोनों का जो अंदर का पोर्शन है, यानी जिसको हम लोग नाम दिए थे हाइपोथिका, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, और एक पूरे सॉल्यूशन के तरीके से बन जाएगा, जिसमें सिर्फ दोनों का इपीथिका रह जाएगा, न्यूक्लियस रह जाएगा, साइटोप्लाज्म रह जाएगा। यानी हाइपोथिका जो है वो पूरी तरीके से डीजनरेट हो चुका है। अब इनका क्या होगा कि इनके जो न्यूक्लियस हैं उनका मियोसिस होगा, और ये एक से चार और एक से चार मियोसिस में चार हो जाते हैं, चार चार हो जाएंगे, तीन यहां से तीन यहां से डीजेनरेट कर जाएगा, बचेगा सिर्फ एक। तो अब वो सॉल्यूशन बचा हुआ है, इपीथिका बचा हुआ है, एक न्यूक्लियस इनके पास आ गया, दूसरा न्यूक्लियस उनके पास चला जाएगा, और ये इपीथिका भी धीरे धीरे अब डीजेनरेट हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे ये दो न्यूक्लियस का है, तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे ऑक्सासोम। ये ऑक्सासोम जो होगा फर्दर यहां से दो अलग होगा, और दोनों पे हाइपोथिका और इपीथिका का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ इन द केस ऑफ कंजुगेशन में, किस तरीके से ये पूरा फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में, किस तरीके से ये चीजें गैमेट फॉर्मेशन में होती हैं। इसमें एक मेल डायएटम्स एक फीमेल डायएटम्स पार्टिसिपेट करता है,
इसमें से मेल गैमेट निकलता है, इसमें से फीमेल गैमेट निकलता है, माफ करिएगा, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होने का मतलब है फिर से ये क्या हो गया, ऑक्सासोम हो गया, और फिर से ऑक्सासोम क्या होगा, इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तरीका होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये तरीका होता है। सबसे पहले डायएटम्स जितने भी होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जाते हैं, लेकिन अपनी साइज को रिड्यूस होने से बचाने के लिए उनको बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पिनेट होगा तो कंजुगेशन से होगा, और सेंट्रिक होगा तो गैमेट फॉर्मेशन से होगा। थैंक यू, वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्राइसोफाइटा के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पायरोफाइटा क्या होता है। अगर हम बात करें पायरोफाइटा की, तो पायरोफाइटा का सबसे पहला फंडा ये है कि ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर रखता है, यानी पायरोफाइटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सब यूनिसेलुलर रहेंगे। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा में हम लोग उन प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, और फोटोसिंथेटिक में हम लोग काइरोफाइटा क्राइसोफाइटा कर चुके हैं, और अब हमारा पायरोफाइटा है। पायरोफाइटा मैंने बताया कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर। दूसरी बात, सारे के सारे ऑटोडॉम यानी 99% जो ऑर्गेनिज्म पायरोफाइटा में आएंगे वो सब के सब कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और एक बहुत ही अलग पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इनके में एक्स्ट्रा पाया जाता है, जिसको अभी हम समझेंगे कि इसका फायदा क्या होने वाला है। बहुत ही रेयरेस्ट केस में होता क्या है कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन और पैरासिटिक एसोसिएशन दिखाता है। सिम्बियोटिक मतलब है कि दो लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाएं, और पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई होस्ट पे डिपेंडेंट हो जाता है पूरी तरीके से, लिविंग होस्ट पे। तो सिम्बियोटिक में क्या होता है, जो पायरोफाइटा उसका नाम है जू जेंथेरा नाम का जो पायरोफाइटा होता है वो इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें पैरासाइट, तो पैलेटिनम जो होता है वो एक पैरासाइट की तरह काम करता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जितने भी पायरोफाइटा होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं, इसीलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें बिलोंग करने वाले उनके पास दो फ्लैजिला होगा। एक को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, जो स्ट्रेट आएगा उसको हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहेंगे, जो कि बेसिकली मदद करता है लोकोमोशन में। तो लोकोमोशन में कौन सा फ्लैजिला मदद करता है, लॉन्गिट्यूडनल। और एक होता है ट्रांसवर्स, हालांकि ट्रांसवर्स एकदम अलग तरीके से, वो होता क्या, यहाँ से निकलता है फिर ये इस तरीके से होता है, और जैसे लट्टू होता है उस पर घुमा के नचाते खींचते हैं तो नाचता रहता है, वैसे इसके लिए ये भी करता है। यानी ट्रांसवर्स जो होगा, ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो होगा वो मदद किसके लिए करता है, स्पिनिंग में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स फ्लैजिला हो गया, जो कि डायनोफ्लैजिलेट या किसी भी पायरोफाइटा में पाया जाएगा, क्योंकि सारे पायरोफाइटा क्या होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं। उसके बाद इनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, काफी सेल वॉल, और इस तरीके से इनका शेप ऑर्गेनाइज होता है। पायरोफाइटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसको कहते हैं गोनोरेक्स। गोनोरेक्स जो होता है वो क्या होता है, रेड टाइड, यानी ये ओशन के अंदर रेड सी का आप नाम सुनेंगे, एक्चुअली सी में पानी लाल नहीं होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट एल्गी है वो उसका अपीयरेंस जो होता है वो रेड करती है, उसको हम रेड टाइड कहते हैं, और वो जो एल्गी यानी पायरोफाइटा उसका नाम है गोनोरेक्स। अगला आते हैं, इसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बायोलुमिनेंस या फॉस्फोरेंस, यानी ये ग्लो करता रहता है अंडर द सी। इनको देखेंगे तो ये ग्लोइंग होते हैं, बायोलुमिनेंस होते हैं, इनको इसीलिए एक नाम दिया गया है फायर एल्गी, क्योंकि ये हमेशा क्या करते रहते हैं, ग्लो करते रहते हैं। बेसिकली पायरोफाइटा जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो एसेक्सुअल मोड से करते हैं, 99.9% यही है कि सारे के सारे एसेक्सुअल मोड अपनाएंगे। लेकिन बहुत ही रेयर केस में जैसे कैराटियम और नॉस्टिलुका, ये दो ऐसे पायरोफाइटा हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं,
एक में आपको जायगोटिक मियोसिस मिलेगा और एक में आपको गैमेटिक मियोसिस मिलेगा। जायगोटिक मियोसिस का मतलब है कि जायगोट बन के उसका मियोसिस होगा, और गैमेटिक मियोसिस का मतलब है गैमेट बन के उसका मियोसिस होगा। तो ये दो एग्जांपल जो होंगे वो किसके हो जाएंगे, पायरोफाइटा के, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी रेयरेस्ट होते हैं। वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्लास की, जिसका नाम है यूग्लिनॉइड। अगर हम यूग्लिनॉइड की बात करेंगे तो यूग्लिनॉइड का जो एग्जांपल है वो होता है यूग्लिना, और इसी से हम आगे का सब समझ सकते हैं। अगर हम यूग्लिना की बात करते हैं तो कुछ लोगों के हिसाब से ये प्लांट है और कुछ लोगों के हिसाब से ये एक एनिमल है। अगर यूग्लिना को आप प्लांट कंसिडर कर रहे हैं तो इसको प्लांट इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है वो प्लांट वाली दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये जो सेल वॉल एब्सेंट हो जा रहा है ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है एनिमल की। तो एक प्रॉपर्टी ऐसी हो रही है जहाँ से ये दिख रहा है कि ये प्लांट है, एक प्रॉपर्टी ऐसी दिख रही है जहाँ से ये दिख रहा है एनिमल है। इसीलिए जो बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट इसको अलग तरीके से रखे और जूलॉजिस्ट अलग तरीके से। जैसे बॉटनिस्ट ने कहा था इसको रखने के लिए यूग्लिनोफाइटा बनेगा, यूग्लिनोफाइटा, और जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने इसे किया क्या कि इसे प्रोटोजोआ में रखा, प्रोटोजोआ में रखा अंडर द क्लास मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। और बाद में एक कंक्लूजन निकाला गया कि इन दोनों को मिला के बोला जाएगा, क्योंकि खाली ये भी नहीं बोला जा सका और खाली ये भी नहीं बोला जा सका। तो अगर कोई पूछे कि यूग्लिना बिलोंग किससे करता है तो दोनों को मिला के एक नाम दिया गया था, जिसका नाम होता है कि हम फाइटो मैस्टिगोफोरा कह सकते हैं। फाइटो यहां से फाइटो मैस्टिगो फोरा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है यूग्लिना का स्ट्रक्चर समझते हैं, यूग्लिना का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ऊपर से काफ़ी ग्रूव स्ट्रक्चर होता है और कुछ हम कह सकते हैं हार्ड शेप स्ट्रक्चर है। यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होता है, एक काफ़ी बड़ा होता है और एक छोटा सा फ्लैजिला हो जाता है। इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्कैटर्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होते हैं, और यहाँ पर एक रेड कलर का स्पॉट पड़ा रहता है जिसको हम आई कहते हैं। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर हम लोग नेमिंग करने लगे तो हमें क्या क्या चीज़ मिल सकती है, जैसे ये फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला लोकोमोशन में मदद करता है, और ये जो फ्लैजिला है वो फूड कैप्चरिंग में। दोनों फ्लैजिला का अलग अलग मतलब हो गया। सेल वॉल एब्सेंट है तो इनकी आउटर मोस्ट लेयर बनी किसकी होती है, पेलिकल की, पेलिकल, क्योंकि सेल वॉल तो एब्सेंट है तो सेल वॉल की जहां इनके पास क्या पाया जाता है, पेलिकल। स्कैटर्ड ये क्या चीजें हैं इनके पास, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि इनकी क्या होती है, आई होती है, हालांकि वो रूडिमेंट्री आई है, कोई काम नहीं करती, इसको आई स्पॉट के नाम से जानते हैं। और ये रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर एस्टाजेंथिन पाया जाता है, ये रेड कलर की है क्योंकि इसके अंदर एस्टाजेंथिन पाया जाता है, इसी वजह से इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। इसमें अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट ले देते हैं तो एक लास्ट पड़ता है जो इसका स्टोरिंग होता है, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं कि प्लांट में जो फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन, पर ये ना प्लांट में ही बिलोंग कर रहा है ठीक से ना एनिमल में बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो स्टोरिंग फूड होता है वो भी थोड़ा अलग होता है, जिसको हम कहते हैं पैरामाइलम। पैरामाइलम ये हो गया इनका स्टोरिंग फूड। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। ये जनरली रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल बायोरिफिजन, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बायोरिफिजन,
लॉन्गिट्यूडनल बायोलिटिजा का मतलब क्या होगा कि अगर ये पूरा एक यूटिना है, ये अपना फ्लैजिला जो है वो लॉस्ट कर देगा, फ्लैजिला इसका गायब हो जाएगा और ये यहाँ से डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में हो जाएगा और बाद में ये डिवाइड होके दो अलग अलग यूटिना बन के तैयार हो जाएगा। तो बाइनरी फिजन से जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से इनका रिप्रोडक्शन देखा जाता है और बहुत ही एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, इनके अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन होता है, यानी सारे यूगलिना सर्किल फॉर्म होते हैं और इनके पास सिस्ट की कवरिंग आ जाती है। कभी कभी हो सकता है कि सिस्ट के कवरिंग के जहाँ इनके ऊपर शीट इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाए, जिस समय ये एकदम टॉप स्टेज में हो जाए, जैसे पॉज हो जाए, इनकी लाइफ में कोई चीज ना हो, तो इसको हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसका डेवलप करने की प्रॉपर्टी रुक जाए तो उसे हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। यहाँ पे ये हर चीज को रुक जाता है, जब एडवर्स कंडीशन खत्म हो जाती है तो ये नॉर्मल से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करके अपनी रिप्रोडक्शन को कर सकता है। ये बात किसकी हुई, यूग्लेनॉइड्स की। वेलकम बैक स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे प्रोटिस्टा की और प्रोटिस्टा में हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक वाले को। फोटोसिंथेटिक में हम लोग पढ़ा कि कायरोफाइटा, पायरोफाइटा और यूग्लेनोफाइटा किस तरीके से होते हैं। अब हमारी बात आती है कि उन प्रोटिस्ट की जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं और जो एनिमल्स रिजेम्बलेंस करते हैं। अभी हम लोग उस प्रोटिस्ट को पढ़े थे जो प्लांट्स रिजेम्बलेंस कर रहे थे, अब हम उस प्रोटिस्ट को प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं जो कि एनिमल्स रिजेम्बलेंस करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे प्रोटिस्टा जिसके अंदर एनिमल्स के फीचर्स हैं। एनिमल्स के फीचर्स के मतलब क्या हो गया कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये जनरली इररेगुलर शेप के अगर पाए जाएंगे तो उसमें हम एग्जांपल अमीबा को ले सकते हैं, और अगर ये स्लीपर स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं तो इसका एग्जाम्पल हम पैरामीशियम ले सकते हैं। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बाईसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर यूनिसेलुलर होंगे तो एग्जाम्पल अमीबा हो जाएगा, बाई होंगे तो पैरामीशियम हो जाएगा, मल्टीसेलुलर होंगे तो वो पाइलोमिक्सा हो जाएगा। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, ये एनिमल है, प्लांट नहीं तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है और सैप्रोफिटिक हो सकता है। तो पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन के बेसिस पे प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस को अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर फ्लैजिला पाया जाएगा प्रोटिस्टा में तो उसको हम कहेंगे जू फ्लैजिलेटा, अगर सीलिया पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे सिलिएटा, अगर सीडोपोडिया पाया जाएगा तो सार्कोडिना, और अगर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे तो स्पोरोजोआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकोमोशन के बेसिस पे प्रोटोजोअन को हम लोग क्लासिफाई किए हैं, फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, सार्कोडिना एंड स्पोरोजोआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ना जू फ्लैजिलेटा क्या होता है। अगर हम जू फ्लैजिलेटा की बात करते हैं तो नाम से ही क्लियर है, जू मतलब हो गया एनिमल्स और ऐसे एनिमल जिनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा। तो वैसे प्रोटोजोअन्स जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, यानी ये फ्लैजिला पाया जाएगा, उनको हम लोग जू फ्लैजिलेटा के केस में रखते हैं। ये एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का क्या मतलब होता है, यानी ये बॉडी के अंदर होस्ट, मतलब अगर होस्ट को खोजते हैं तो होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये एंडोपैरासाइट है और पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मतलब है कि डिजीज कॉजिंग है, इनसे कोई ना कोई बीमारी होती है। जनरली जो फ्लैजिलेटर होते हैं वो सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अगर वो ए सेक्सुअल कर रहे होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की वजह तरीके से वो कर सकते हैं। जू फ्लैजिला का जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें पढ़ना है उसको हम कहते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बर्स। ट्रिपैनोसोमा गैम्बर्स को हम क्या कहेंगे कि जैसे कि हम समझें कि ये जू फ्लैजिलेटा है, यानी फ्लैजिला होना है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि सिर्फ फ्लैजिला, लेकिन सिंगल फ्लैजिला होता है, इसको कहते हैं यूनिफ्लैजिलेटा। और ये एंडोपैरासाइट है, यानी फिर से वही बात कि शरीर के अंदर पाया जाएगा। ये डाइजेनेटिक होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइजेनेटिक, मतलब इसके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, यानी पहले ही किसी और पर अटैक करता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल आधी किसी और होस्ट पर होती है। तो प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मैन होते हैं, यानी वो पहली लाइफ साइकिल का अपना पहला पार्ट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग की होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सीसी फ्लाई, जो कि बेसिकली अफ्रीका में पाई जाती है।
इनकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि इससे ये जब इन्फेक्ट होता है इंसान इससे तो उसको ड्राउजीनेस होती है, लेथार्जिक हो जाता है, नींद बहुत आती है। और ये सीसी फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए नाम ही पड़ा था अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा एग्जाम्पल होता है लेस्मानिया ओडोवानी, लेस्मानिया ओडोवानी। यहाँ पर भी फ्लैजिलेटा तो कंफर्म होगा, क्योंकि फ्लैजिलेटा हम लोग पढ़ी रहे तो फ्लैजिला तो होगा। डाइजेनेटिक यानी इनके भी दो होस्ट होंगे, एक ह्यूमन बीइंग हो गया आपका पहला प्राइमरी होस्ट, और ह्यूमन बीइंग के ब्लड कैपिलरीज में पाए जाएंगे ये सब। और इनका जो दूसरा होस्ट होता है वो कौन होता है, सैंड फ्लाई जो होता है उसके हम सलाइवा में अगर देखें तो लेस्मानिया पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये जो लेस्मानिया होता है वो डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि इसका अडल्ट और इसका हम कह सकते हैं कि यंग स्टेज थोड़ा देखने में अलग दिखता है। यंग स्टेज देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा और जो एडल्ट होगा वो, अगर हम यंग स्टेज की बात करें तो ये थोड़ा कैरेट शेप का है और ये थोड़ा ओवल शेप का है। बेसल बॉडीज दोनों में पाई जाएगी। इसका फ्लैजिला बड़ा होता है और बॉडी के बाहर होता है, इसका फ्लैजिला बहुत छोटा और बॉडी के अंदर तक ही होता है। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा। तीसरा और सबसे आखिरी है उसको हम कहते हैं ट्राइकोसोनिफा, उसमें देखा जाए तो ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये पूरी कहानी किसके ऊपर हुई, प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा के ऊपर। थैंक यू। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था प्रोटोजोआंस में जू फ्लैजिलेटा क्या होता है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सार्कोडीना की, ये दूसरा पार्ट है। जब हम सार्कोडीना की बात करते हैं तो सार्कोडीना का मतलब पहली चीज समझ लेते हैं, जितने भी इरेगुलर शेप के प्रोटेस्ट होते हैं उनको हम सार्कोडीना की कैटेगरी में जनरली हम रखते हैं। कहते हैं कि जितने भी सार्कोडीनियंस होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी वो हर जगह पाए जाते हैं, और बेसिकली वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब किसी न किसी ऑर्गेनिज्म यानी किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो फ्री लिविंग सार्कोडीना क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मरीन वाटर में पाए जा सकते हैं, और मडी एरियाज यानी जहाँ कीचड़ होगा वहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट यानी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो न्यूक्लियस, और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। यानी सार्कोडीना जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन करने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, जिसको कि हम लोग प्रोटिस्टा है अभी भी समझेंगे किस तरीके से ये काम करता है। बात आती है रिप्रोडक्शन में, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल, यानी एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल यानी सिंगल पेरेंट्स भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर एसेक्सुअल का तरीका होगा तो वो बाइनरी फिजन से होगा, मल्टीपल फिजन से होगा। जो मल्टीपल फिजन होता है वो यहाँ पर स्पोरुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेक्सुअल वाले केस में क्या होता है, सिंगामी होता है। सिंगामी का मतलब क्या होता है कि एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, यानी जब ये दोनों का फ्यूजन होता है तो उसको सिंगामी कहते हैं। यानी सिंगामी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है इन द केस ऑफ सार्कोडीना। और सार्कोडीना का कौन सा एग्जांपल ऐसा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको हम कहते हैं पाइलोमिक्सा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब हमें जो पहला ऑर्गेनिज्म सार्कोडीना का जो डिटेल में पढ़ना है उसको हम कहते हैं अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस को समझते हैं क्या होता है, ये बहुत ही छोटा होता है और इररेगुलर शेप का होता है, यानी कोई इसका परफेक्ट शेप नहीं होता है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक न्यूक्लियस वाला होता है और जनरली ये क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अमीबा का ये स्ट्रक्चर समझेंगे तो ये एक इररेगुलर स्ट्रक्चर बनाया गया, जहां पर बाहर हमने डॉटेड स्ट्रक्चर जो बनाया उसको हम जेल कहते हैं और जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सॉल कहते हैं। एक चीज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये इसका फॉस्फोलिपिड का बना होता है, अंदर की ओर एक न्यूक्लियस होता है, ये सीडोपोडिया यानी जो फेकल लाइक प्रोजेक्शन है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करेगा, वो सीडोपोडिया हो गया। इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, यानी कह सकते हैं एक तरीके से अमीबा का जो आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से होता है। अमीबा जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है, मैंने पहले बताया था कि एसेक्सुअल भी हो सकता है सेक्सुअल, लेकिन अमीबा के केस में सिर्फ एसेक्सुअल मोड होगा, सेक्सुअल मोड जो होता है वो नहीं होता है। अमीबा दो तरीके से इसमें देख सकते हैं, एक एसेक्सुअल मोड हम तब की बात करें जब कंडीशन फेवरेबल्स हैं, और एक वो जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा इन द केस ऑफ अमीबा, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उसको हम कहते हैं इनसिस्टमेंट। इनसिस्टमेंट में मतलब क्या होता है कि अमीबा जो होता है वो एकदम सर्कुलर शेप आ जाता है और उसके ऊपर एक सिस्ट की वॉल कवर हो जाती है।
और ये सिस्ट की वॉल तब तक इसके ऊपर कवर रहती है जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाता है वापस से वो एसेक्सुअल फॉर्म में या बैंथेट सीजन में मल्टीपल सीजन में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सार्कोडिनास अमीबा प्रोटियस। अगला एग्जाम्पल जो हमें सार्कोडिना का पढ़ना उसको हम कहते हैं पीलोमिक्सा। पीलोमिक्सा की खासियत ये कि इसको हम जाइंट अमीबा के नाम से जानते हैं। पीलोमिक्सा जो होता है उसको हम जाइंट अमीबा यानी अमीबा जैसा ही होता है लेकिन बड़ा होता है। अमीबा और इसमें सबसे बड़ी अंतर क्या होता है कि अमीबा सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, ये कैसा होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अमीबा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड का था, यहाँ पर कैसा होता है सेक्सुअल मोड का होता है। तो पीलोमिक्सा के बारे में अगर हमसे कोई पूछता तो हम साफ बताते कि तकरीबन ये अमीबा जैसा होता है। जाइंट अमीबा इसलिए कहते हैं कि ये अमीबा के साइज से काफी बड़ा होता है। जो अमीबा से इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस होगा वो ये होगा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगला जो एग्जांपल होता है सार्कोडिना का उसको कहते हैं ओलोकैंथा। ओलोकैंथा वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं 1600। ऑलमोस्ट 1600 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ओलोकैंथा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एंट अमीबा हिस्टोरिका। एंट अमीबा हिस्टोरिका जो है ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, लोग समझते नहीं है कि एंट अमीबा हिस्टोरिका क्या। एक्चुअली जो अमीबा ह्यूमन की बॉडी के अंदर पाया जाता है उसको हम एंट अमीबा हिस्टोरिका कहते हैं। और ये डिस्कवर किया था लेमले नाम के साइंटिस्ट ने और इन्होंने देखा था कि जो एंट अमीबा हिस्टोरिका है वो मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म यानी किसी एक होस्ट में पाई जाती है। वो होस्ट कौन होता है ह्यूमन, और ह्यूमन का कौन सा पार्ट होता है इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है उसके अंदर एंट अमीबा हिस्टोरिका पाया जाता है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक मतलब होता है कि ये फर्स्ट स्टेज में थोड़ा अलग दिखते हैं और अगले स्टेज में थोड़ा अलग। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको कहते हैं माइम्यूटा और दूसरा स्टेज होता है उसे हम कहते हैं मैग्मा। एंट अमीबा हिस्टोलिका जनरली टिपिकल एक अमीबा जैसा ही दिखता है, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, यानी ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका में नहीं देखा जाता है। कैसे पता चलेगा कि एक इंसान के अंदर एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? उसका जो स्टूल होगा वो काफ़ी ब्लडी होगा और म्यूकस होगा। अगर स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस आ रहा है तो ये है कि कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जा रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं लास्ट सार्कोडिना का जो एग्जाम्पल होता है उसको हम कहते हैं एंट अमीबा जिंगरेलिस। एंट अमीबा जिंगरेलिस, एंट अमीबा जिंगरेलिस क्या होता है? माउथ अमीबा पाया जाता है, मुंह के अंदर अमीबा पाए जाते हैं। जनरली पारिया का जो केस होता है उसमें अमीबा जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पारिया को करने के लिए, और उसमें क्या होते हैं गम्स जो होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं। तो गम्स स्वेलन इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ अटैक किसका होता है एंट अमीबा जिंगरेलिस का होता है। थैंक यू। सार्कोडिना के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा, उस प्रोटिस्टा की जिसका नाम है स्पोरोजुआ। जो स्पोरोजुआ है वो प्रोटिस्टा का एक पार्ट है जैसे सार्कोडिना था। अब हम स्पोरोजुआ के बारे में जब समझेंगे तो स्पोरोजुआ में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं जो कि एंडो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट यानी ये बॉडी के ऊपर तो अटैक करेंगे लेकिन सरफेस पे नहीं करेंगे, इंटरनल अटैक करेंगे, तो इसको हम एंडो पैरासाइट कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल लेके हमें समझना है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को हम लोग मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। जो मलेरिया बुखार होता है वो प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। इसका आविष्कार जो है डिस्कवर्ड बाय लेवरॉन इन आरबीसी में, हमारे आरबीसी में इसको लेवरॉन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार खोजा था। ये कई वैरायटी में पाए जाते हैं यानी कई स्पीसीज पाई जाती हैं प्लाज्मोडियम की, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैलिस, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये चार मेन स्पीसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है यानी इसके दो होस्ट होते हैं, मोनोजेनेटिक यानी एक होस्ट, डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट। इसके जो दो होस्ट हैं एक होता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो और दूसरा होता है ह्यूमन बीइंग, यानी एक इसका होस्ट हो जाएगा फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो और दूसरा हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। और इसकी जो लाइफ साइकिल यानी प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल चलती है वो तीन फेजेस में चलती है, तीन फेजेस मतलब तीन पार्ट में होती है। पहला पार्ट को हम कहते हैं साइजोगोनी। साइजोगोनी को अगर आसान भाषा में बोलेंगे तो मल्टीपल फिजन बोल सकते हैं। अगर साइजोगोनी यानी इसका बहुत सारा प्लाज्मोडियम बनना स्टार्ट हुआ, अगर वो लीवर में बनना स्टार्ट होता तो उसको हम कहते हैं हिपैटिक साइजोगोनी, और अगर वो ब्लड वेसल्स में यानी आरबीसी में ऐसा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट साइजोगोनी। यानी जो ह्यूमन में अटैक होगा वो या तो लीवर में होता है या तो आरबीसी पे अटैक करेगा। उसके बाद आता है गैमोगोनी। गैमोगोनी जो होता है वो स्टार्ट तो हो चुका रहता है ह्यूमन में पर कंप्लीट होता है पूरा कहाँ, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो में।
और लास्ट में आता है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी जो होता है वो पूरी के तरीके से इसके अंदर होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में। मलेरिया बुखार में क्या खासियत होती है कि जो बुखार होता है वो कभी कभी बहुत तेज चढ़ता है फिर उतर जाता है, कभी कभी शरीर एकदम ठंडा हो सकता है, कभी कभी शरीर एकदम गर्म हो जाता है। तो मलेरिया का बुखार जो होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम का होता क्या है, वो ब्लड के अंदर जाने के बाद एक बहुत तगड़ा मल्टीपल फिजन करके उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब उसका मल्टीपल फिजन होता है तो वही बुखार उड़ता है। ये चीज़ हम लोग क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें भी हम ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अब हम प्रोटेस्टा के लास्ट पार्ट में चलते हैं जिसको हम कहते हैं स्लाइम माउथ। स्लाइम माउथ एक सेप्रोफेटिका यानी सड़े गले जगह पे पाया जाता है और इन्हीं लोगों पे अपने न्यूट्रिशन को पाने के लिए डिपेंडेंट होता है। ये डार्क प्लेस पे, डैम प्लेस पे यानी गंदे इलाके में पाया जाता है। नो सेल वॉल, इनकी बॉडी पे कोई भी सेल वॉल नहीं होता, इसलिए जनरली जो बॉडी होती है वो इरेगुलर होती है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। अगर हम वेजिटेटिव की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एक बॉडी रहती है, बॉडी कई पार्ट में टूट जाती है और हर पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। इसमें एक नई चीज पाई जाती है, उसको कहते हैं स्केलरोटिया फॉर्मेशन। स्केलरोटिया फॉर्मेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ एक कवच बन जाती है जो कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करती है। एसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर फॉर्मेशन, इसमें होता क्या है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर से जिसके डिहाइसेंस होने पे स्पोर्स बाहर निकलते हैं। ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है मिक्स अमीबा और एक बन सकता है स्वाम सेल। एक को हम कहेंगे मिक्स अमीबा और एक को हम कहेंगे स्वाम सेल। स्वाम सेल में क्या होता है, एक फ्लैजेला छोटा होता है, एक फ्लैजेला बड़ा होता है। सेक्सुअल के केस में क्या हो सकता है कि सेक्सुअल हम ऐसे समझते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, यानी गैमेट्स का फ्यूजन होना। तो यहाँ पर क्या होता है कि गैमेट्स तो नहीं बनते, यानी ये दो मिक्स अमीबा मिलकर फ्यूज कर जाते हैं या दो स्वाम सेल फ्यूज कर जाते हैं। तो जब ये दो फ्यूज कर जाते हैं तो उसके केस में क्या हो जाता है, सेक्सुअल। तो ये पूरी कहानी हुई प्रोटिस्टा के बारे में। वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में, समझते हैं फंजाई क्या होता है। फंजाई का मतलब ये होता है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक हो। यानी फंजाई जनरली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर जो फंजाई होगा वो हमारा यूनिसेलुलर मिलेगा, उसको हम आगे समझेंगे। अब अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई दो तरीके के होते हैं, क्योंकि फंजाई जितने भी पाए जाएंगे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे फंजाई। अब इसमें दो तरीका हो सकता है, हो सकता है वो एसेप्टेट हो और हो सकता है वो सेप्टेट हो। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर फंजाई उसके अंदर पार्टीशन देखा जा रहा है तो इसे हम सेप्टेट कहेंगे, और अगर कोई फंजाई जिसमें पार्टीशन नहीं देखा जा रहा है उसे हम एसेप्टेट कहेंगे। एसेप्टेट जनरली लोअर फंजाई होते हैं और सेप्टेट जो होते हैं वो जनरली हायर फंजाई होते हैं। अगली बार बात करते हैं तो इनके पास नो पिगमेंट का मतलब ये होता है कि इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। पिगमेंट किस लिए नहीं पाया जाता, क्योंकि भाई इनको फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। तो एक्चुअली ये न्यूट्रिशन पाते कैसे हैं, इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफेटिक यानी सड़े गले जगह पे रहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि मान लेते हैं ये फंजाई है, ये फूड है, तो ये कुछ एंजाइम्स निकालेंगे जो कि इसको डिसॉल्व कर देगा, फिर इसको जाके ये फीड करते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और ये सैप्रोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में आती है वो ये आते हैं कि कुछ तो इसमें सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। यानी सैप्रोफाइट तो मेन है लेकिन फ्यू सिम्बायोटिक। हम लोग देखे हैं कि एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोटिक, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट। जो सेल वॉल होती है, जनरली सेल वॉल इसमें पाई जाती है हमेशा, जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। लेकिन काइटिन के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं जिस, या तो हम फिर ऐसे कह सकते हैं कि काइटिन जो होता है उसका केमिकली जो नेम होता है वो होता है एन एसिटल ग्लूकोसेमाइन, एन
एसिटल ग्लूकोसैमाइन। तो ये क्या है, काइटीन का केमिकल नेम है। अब अगर हम लोग बात करें कि फंजाई को जैसे मैंने डिवाइड किया है एसेप्टेट और सेप्टेट में, तो इस तरीके से फंजाई और लंबे में क्लासिफाई किया जाता है। कैसे कैसे क्लासिफाई होता है ये समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि जो सेप्टेट और एसेप्टेट था उसको हम सेप्टम भी कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फंजाई का नाम होता है यूमाइसिटीज, यानी इसको साइंटिफिक भाषा में नाम दिया गया है यूमाइसिटीज। फंजाई का साइंटिफिक भाषा में नाम होता है यूमाइसिटीज। और अगर हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो यूमाइसिटीज जो होता है वो डिवाइड होता है सबसे पहले एसेप्टेट और सेप्टेट में। यानी फंजाई को सबसे पहले डिवाइड किया जाता है एसेप्टेट और सेप्टेट में। मैंने बताया एसेप्टेट मतलब लोअर फंजाई और सेप्टेट मतलब होता है हायर फंजाई। उसके बाद जो एसेप्टेट होता है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये दो तरीके का हो सकता है, फ्लैजिलेट नॉन फ्लैजिलेट। यानी एसेप्टेट वाले को नाम दिया जाएगा फाइकोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज फ्लैजिलेट एंड नॉन फ्लैजिलेट मेंबर। जो फ्लैजिलेट होते हैं उसको हम कहते हैं मैस्टिकोमाइसिटीज और जो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं उनको जाइकोमाइसिटीज। यानी जो फ्लैजिलेट होंगे उसको हम लोग नाम देंगे मैस्टिकोमाइसिटीज और जो नॉन फ्लैजिलेट होंगे उनको नाम दिया जाएगा जाइगो माइसिटीज। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या देख रहे हैं, फंजाई यूमाइसिटीज, यूमाइसिटीज एसेप्टेट, सेप्टेट एसेप्टेट को हम फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज विल बी कन्वर्टेड इनटू मैस्टिकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला। फ्लैजिला होगा तो जाइगोमाइसिटीज और नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे नहीं होगा तो जाइगोमाइसिटीज और होगा तो उसको मैस्टिकोमाइसिटीज कहेंगे। अब आते हैं हम लोग हायर वाले पे। हायर वाला हो जाता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेप्टेट में आए तो हमें तीन मिलेगा। पहला होगा एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन तीनों को अलग अलग पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे एस्कोमाइसिटीज का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एस्कस, बैसिडियोमाइसिटीज का जो होता है उसको कहते हैं बैसिडियम। लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज को हमको इन सब से अलग रखना पड़ता है क्योंकि इनके केस में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है विच ऑफ द फंजाई इज नॉट ट्रू फंजाई, जब हमसे बोलेगा कौन सा सा फंजाई ये ट्रू फंजाई नहीं है तो हम बताएंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो नहीं पाया जाता है जिसके वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है और यही कारण है कि इसको फंजाई से थोड़ा सा अलग करके हमें पढ़ना होता है। तो हमने फंजाई को क्लासीफाई किया, कहा कि एसेप्टेट, सेप्टेट, फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके सबको स्टार्ट करते हैं फंजाई के पहले क्लासिफिकेशन से जिसका नाम है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जाइगोमाइसिटीज का मतलब है कि कंजुगेटिंग फंजाई। कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देर इज नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बट द मोशन इन विच द रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस दैट विल लुक्स लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी को हम कहते हैं कंजुगेशन, जिसमें बिना सेक्सुअल ऑर्गेन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं कंजुगेशन फंजाई, जिसे हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझेंगे। तो जाइगोमाइसिटीज का जो सबसे पेटेंट नाम है, या हम समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं ये वर्ड समझे कि कंजुगेशन फंजाई लिखा है तो हम समझ जाए कि बात वहां पर किसकी होने वाली है, जाइगोमाइसिटीज की होनी है। क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है तो ये नॉन मोटाइल होते हैं और मैंने बताया था कि ये लोअर फंजाई है,
लोअर फंजाई होने की वजह से ये क्या है, एसेप्टिक है, यानी इनके ऊपर कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता है। ये सिनोप्टिक होते हैं, सिनोप्टिक मतलब ये होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है, इसके पास सिंपल सी हाइफीज होती हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसके पास एक राइजोइडल हाइफी पाई जाती है और एक होती है स्टोलिनिफेरस हाइफी। ऊपर की पार्ट को हम स्टोलिनिफेरस हाइफी कह रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को हम राइजोइडल हाइफी कहते हैं। जो सबसे मेन चीज साइकोमाइसिटीज में है वो है उसका रिप्रोडक्शन का मेथड, जो कि एसेक्सुअल भी तरीका हो सकता है और सेक्सुअल भी। पहले हम समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा इन द केस ऑफ साइकोमाइसिटीज। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक राइजोपस, जाइगोमाइसिटीज से हम एक एग्जांपल ले हैं, ये हमारा एक राइजोपस है। इस राइजोपस के एक हाइफी से एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। एक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है कहाँ से, हाइफी से, उसका नाम होता है स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियोफोर के टॉप पे जो होता है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। टॉप पे जो बल्ज जैसा निकला है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम और नीचे क्या है, स्पोरेंजियोफोर। अब हम जरा स्पोरेंजियम को समझते हैं। स्पोरेंजियम हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बाहर की ओर जो होगा उसको हम स्पोरोप्लाज्म कहेंगे और अंदर की ओर जो होगा उसको हम कहेंगे कोलुमेला प्लाज्म। तो बाहर की ओर स्पोरोप्लाज्म है, अंदर की ओर कोलुमेला प्लाज्म है। जो अंदर की ओर है वो कोलुमेला प्लाज्म आपस में एग्रीगेट हो जाएगा और जो न्यूक्लियस था उसके पास वॉल जनरेट हो जाएगी और ये एक्ट करने लगेगा एज ए सिंगल सेल। ये सब एक्ट करने लगेंगे एज ए सिंगल सेल। जब मैच्योरिटी आती है तो ये डिहाइसेंस कर जाता है, रैप्चर होने के बाद ये जो सिंगल सेल्स थे ये सब बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक यंग हाइफी में और यंग हाइफी से फिर ये कंप्लीट राइजोपस को बनाते हैं। तो ये बातें थी जाइगोमाइसिटीज के कुछ पॉइंट्स की और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगली बार हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल के बारे में। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो समझते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, अच्छे से समझते हैं। पहली बात तो ये एक आइसोगैमस टाइप है। आइसोगैमस का मतलब समझिए, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बराबर साइज का होता है तो इसे हम आइसोगैमेट कहते हैं। अब आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसमें गैमेट ही नहीं फॉर्मेशन नहीं होता, या सॉरी माफ करिएगा, इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। एक्चुअली इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, पर यहाँ पर प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन से हम ये दिखाएंगे कि प्लस स्ट्रेन वाला मेल है और माइनस स्ट्रेन वाला जो है वो फीमेल है। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रेन एक साइज के होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस, क्योंकि आइडेंटिकल गैमेट्स होते हैं। जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राइजोपस का। इसमें होता क्या है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक हाइफी है और ये एक हाइफी है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये प्लस स्ट्रेन की हाइफी है, ये माइनस स्ट्रेन की हाइफी है। प्लस स्ट्रेन हाइफी को हम मेल पार्ट मान लेते हैं, माइनस स्ट्रेन को हम क्या मान लेते हैं, फीमेल पार्ट। बाद में चल के इसमें एक आउटग्रोथ निकलेगा दोनों तरफ से, जिसका नाम हम लोग रखेंगे प्रोगैमेटेंजिया। इसका नाम हो गया प्रोगैमेटेंजिया। अब ये डिटैच नहीं होगा, यहीं पर सारी चीजें होती रहेंगी। अब देखिए आगे क्या होगा, ये प्रोगैमेटेंजिया आपस में फ्यूज करेगा, जब ये फ्यूज करने लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा गैमेटेंजिया। जब ये पूरी तरह से फ्यूज हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में मर्ज कर जाएगा और ये बन जाएगा अब जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप करेगा और इस जाइगोट से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर इसका नाम जाइगोस्पोरेंजिया और जाइगोस्पोरेंजियोफोर के नाम से नाम लेगा, यानी ये हो जाएगा आपका जाइगो स्पोरेंजियो
फोर, और ये हो जाएगा जाइगो स्पोरेंजिया। राइजोपस में पहले क्या बना है, प्रोगेमेटेंजिया बना है, फिर प्रोगेमेटेंजिया आपस में फ्यूज करेगा तो गैमेटेंजिया माना जाएगा, फिर फ्यूज करने पर जब दोनों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जाइगोट में से क्या बनेगा, जाइगोस्पोरेंजिया 4 और जाइगोस्पोरेंजियम। अब इसमें क्या होगा कि आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या करेगा, डिहाइसेंस हो जाएगा, यानी ये रैप्चर कर जाएगा, रैप्चर आफ्टर मैच्योरेशन। तो इसमें छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाएंगे, ये स्पोर्स फर्दर डेवलप करेंगे हाइफीज में। मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, और इसमें से 50% हाइफी प्लस स्ट्रेन के हो जाएंगे, 50% हाइफी जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस स्ट्रेन के हो जाएंगे। ये बात हुई जाइगोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से। जाइगोमाइसिटीज के बाद अब हम बात करने वाले हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ईस्ट पढ़ना है और पेंसिलिनियम, और अगर हम ईस्ट और पेंसिलिनियम पढ़ते हैं तो हम पूरे एस्कोमाइसिटीज को समझ जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट के बारे में, क्या अंतर होता है जाइगोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। मैंने कहा जाइगोमाइसिटीज में जो सेल वॉल होती थी वो सिर्फ काइटिन की बनी होती थी, लेकिन इन द केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज और ईस्ट के केस में क्या होता है, यही सेल वॉल काइटिन तो होता ही है उसमें, उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड और ग्लाइकोजन नाम के केमिकल्स के भी पाए जाते हैं। इसके पास जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा और सेंट्रल में होता है। जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, यानी डेड एंड डिकिंग मैटर पे ये डिपेंड होता है। और ये मैंने बताया था कि ये एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन होता है, तो ये करता क्या है, जाइमेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं वो धीरे धीरे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर जाते हैं। ईस्ट के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करते हैं ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो बडिंग होगा या तो फिजन होगा। अगर मान लेते हैं बडिंग हो रहा है तो होगा क्या कि ये है ईस्ट और ये होता है सिंगल न्यूक्लिएटेड, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होती है। फिर क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि इसमें से न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट करता है एक बल्जी पार्ट में। फिर क्या होता है, ये दोनों पार्ट धीरे से डिटैच हो जाते हैं और ये हो गया आपका बडिंग। और जब बाइनरी फिजन की बात करेंगे, यानी यहाँ फिजन की बात करते हैं, तो फिजन में क्या होता है, फिजन में मानते हैं ये ईस्ट है, तो ईस्ट में न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करता है, उसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड करना स्टार्ट करता है। फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका रहता है और फिर साइटोप्लाज्म में भी डिवाइड हो जाता है। तो ये बात हुई फिजन की और ये बात हुई बडिंग की। एस्कोमाइसिटीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई वो यही बताई है कि इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड और ग्लाइकोजन से भी बना होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, उसको हम लोग नाम दिए हैं होलोगैमी, होलोगैमी। और होलोगैमी का मतलब होता है कि जिसमें सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हो, फिर कैरियोगैमी हो, और लास्ट में मियोसिस हो। जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस तीनों एक साथ होता है, उसी को हम होलोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। प्लाज्मोगैमिक मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म है वो जाके फ्यूज होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस मतलब है कि न्यूक्लियस जाके फ्यूज होगा, और लास्ट में जब दोनों फ्यूज होके एक जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बना चुके रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो ये हो गया सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द केस ऑफ होलोगैमी। और इसी से हम समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट। बेसिकली ईस्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती होगी, सबसे पहले वो हैप्लॉन्टिक समझते हैं। तीन तरीके की लाइफ साइकिल हो सकती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
हैप्लॉन्टिक मतलब है कि लाइफ की पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादा स्टेज हैप्लॉइड होनी चाहिए, हैप्लॉइड मतलब एंड होना चाहिए। डिप्लॉन्टिक का मतलब है कि लाइफ साइकिल में से ज्यादा स्टेज जो होना चाहिए वो डिप्लॉयड होना, यानी टू एंड होना चाहिए। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि आधी स्टेज हैप्लॉन्टिक होना चाहिए और आधी स्टेज क्या होनी चाहिए, डिप्लॉन्टिक होना चाहिए। तो पहले हम हैप्लॉन्टिक समझते हैं, इसका एग्जाम्पल याद करते हैं। सबके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल होगा साइजो सैक्रोमाइसिस एक्टोस्पोरस। साइजो सैक्रोमाइसिस एक्टोस्पोरस, इसमें होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड रहेगा, यानी ये स्टार्टिंग से ही क्या है, हैप्लॉइड है। उसका फिजन होगा तो वो दो में बटेगा, वो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब ये दोनों एक्ट करने लगेंगे एज ए गैमेट। जब गैमेट की तरह एक्ट करते रहते हैं तो पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर इनका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, तो ये क्या बन जाएंगे, जाइगोट। जाइगोट का क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस एक रिडक्शनरी डिवीजन होता है, तो टू एन से सब क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। जब ये एन हो जाएंगे तो इनको हम कहेंगे एस्कोस्पोर्स, और ये एस्कोस्पोर्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक यंग ईस्ट में। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना पार्ट जो है वो डिप्लॉयड है, बाकी जो मेजर पोर्शन है वो हैप्लॉयड है। ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, तो मेजर पोर्शन लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड है, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट डिप्लॉयड है, तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगला आते हैं डिप्लॉन्टिक में, इसका एग्जाम्पल होता है सार्कोमाइकॉट लुडर्गी। इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। जब डिप्लॉयड होगा तो उसका क्या होता है, माइटोसिस होता है, तो वो दो में कन्वर्ट हो जाता है। दो में जो कन्वर्ट होगा वो हमेशा, यानी डिप्लॉयड, यानी ये ऑर्गेनिज्म अगर माइटोसिस होगा तो होगा तो वो डिप्लॉयड। अब ये क्या करेगा, ये मियोसिस करके ढेर सारे छोटे छोटे गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ये इसको हम यहाँ पर एस्कोस्पोर्स नहीं कहते, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। ये गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइकोट, और ये जाइकोट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एक यंग मंथ में, क्योंकि जाइकोट क्या है, डिप्लॉयड है। अब देखते हैं, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, यानी सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो हैप्लॉइड, मेजर पोर्शन डिप्लॉयड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। अगला आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर बडिंग होता है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो होता है फिर वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो डिप्लॉन्टिक है, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हैप्लॉन्टिक है, यानी लगभग आधा आधा है। तो जब आधा आधा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द एस्कोमाइसिटिस। अब हम स्टार्ट करते हैं बसीडियोमाइसिटीज के बारे में, समझते हैं बसीडियोमाइसिटीज। ये वर्ड बसीडियो कहाँ से आता है, बसीडियो का मतलब होता है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम बसीडियम कहते हैं, जिस और फंजाई में बसीडियम पाया जाता है उसे हम बसीडियोमाइसिटीज कहते हैं। बसीडियम है क्या, उस किसी भी फंजाई का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बसीडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई कहते हैं क्योंकि ये एक साथ पाए जाते हैं। जो हम लोग घर पे मशरूम की सब्जी बनाते हैं, मशरूम खाते हैं, वो किससे बिलोंग करता है, बसीडियोमाइसिटीज से। दो ऐसे वैरायटीज होते हैं मशरूम के जो कि हम खाते हैं, बाकी ज़्यादातर क्या होते हैं, मशरूम जो होते हैं वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं। एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस और एगेरिकस बिस्पोरा, ये दोनों ऐसे मशरूम हैं जिसे हम खाते हैं, ये ईडब्ल्यू कैटेगरी में है। लेकिन सिल्वाटिकस, एग्रिकस सिल्वाटिकस जो होता है वो दुनिया का सबसे पॉइजनस जो होता है फंजाई होता है। तो कहते हैं कि मशरूम को बहुत सोच समझ के खाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉइजनस कभी कभी आ सकता है। एक बेसिडियोमाइसिटीज का स्ट्रक्चर समझते हैं, तो उसमें एक प्राइमरी माइसिलियम होता है, एक सेकेंडरी माइसिलियम होता है, यानी ये सेप्टेट बॉडी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, सबके पास एक एक न्यूक्लियस होता है, ऊपर की ओर राउंड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बेसिडियोफोर, जिसके अंदर बेसिडियम पाया जाता है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं आगे चल के एक साथ होते हैं, जब एक साथ होते हैं तो उनके एक ऐसा आता है सेप्टा जिसके अंदर दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, जब दो न्यूक्लियस हो जाते हैं एक ही सेप्टा के अंदर तो उसको हम कहते हैं डाइकैरियंस। एक ही सेप्टा में दो न्यूक्लियस हो गए तो क्या हो गया, डाइकैरियंस। और उसके नीचे जितनी बॉडी होती है उसको हम सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी दिख सकता है कि ये दो सेप्टम के बीच में स्पेस मिल जाता है।
जब स्पेस मिलता है तो इसको हम कहते हैं डॉलीस्पोर सेप्टम, यानी जब सेप्टम जुटा नहीं होता है थोड़ा सा स्पेस, यानी जो सेप्टम्स बने हैं ये पूरी तरीके से नहीं जुटा है, बीच में से होल है यानी स्पेस है, तो उसको हम कहते हैं डॉलीस्पोर सेप्टम। लाइफ साइकिल ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज समझते हैं, ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में से होगा क्या, ये माइसीलियम होगा, इस माइसीलियम से एक बल्ब स्ट्रक्चर निकलेगा, बल्ब लाइक, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अंदर की ओर प्रोट्यूड होगा और प्रोट्यूड होने के बाद वो पूरी तरीके से प्रोट्यूड होकर अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ऊपर काफ़ी बल्जी है, नीचे स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। फ्रूटिंग बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो गई तो मशरूम बनेगा, जिसमें ऊपर को हम अम्ब्रेला कहते हैं, इसको हम गिल्स कहते हैं, जहाँ से अटैचमेंट होता है उसको एन्यूली कहते हैं, और डंडे को क्या कहते हैं, स्ट्रिप कहते हैं। इस गिल्स के पास बहुत सारे बैसिडियम पाए जाते हैं, ये बैसिडियम रखते क्या हैं अपने अंदर, स्पोर्स रखते हैं, और ये स्पोर्स क्या होते हैं वापस से क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, और ये लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो ये लाइफ साइकिल किसकी थी, बैसिडियोमाइसिटीज की। बैसिडियोमाइसिटीज दो अलग अलग टाइप के डिजीज को भी कॉज करते हैं, एक पिक्यूनिया नाम का जो बैसिडियोमाइसिटीज है वो रस्ट कॉज करता है, और वेस्टिलागो जो होता है वो स्मट को कॉज करता है। पिक्यूनिया रस्ट कॉज करता है एंड वेस्टिलागो जो होता है वो स्मट को कॉज करता है। तो ये बात हुई बैसिडियोमाइसिटीज के बारे में। अब बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में। ड्यूट्रोमाइसिटीज का मतलब क्या है, ये एक फंजाई इम्परफेक्टिंग यानी कंप्लीट परफेक्ट फंजाई से नहीं कहा जाता, क्यों, क्योंकि इनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। तो एग्जाम में अगर हमसे पूछता है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज को क्यों फंजाई इम्परफेक्टिंग कहते हैं, तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो कम्प्लीटली नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इसे फंजाई इम्परफेक्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंडरगोस नहीं करता। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक होता है हेलिमेंथो स्पोरियम ऑरिजेई, हेलिमेंथो स्पोरियम ऑरिजेई, और दूसरा होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। पहले हम पढ़ते हैं हेलिमेंथो स्पोरियम ऑरिजेई के बारे में, ये जो चावल की पत्तियां होती हैं छोटी छोटी उसके अंदर ब्राउन कलर का स्पॉट पाता है करता है, इसीलिए इसको एक बीमारी फैलाता है, इसको कहते हैं ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ इन राइस। बंगाल में ये काफ़ी फेमस है, किस नाम से, बंगाल फैमिन के नाम से। बंगाल फैमिन का मतलब अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो हम बताएंगे कि ब्राउन स्पॉट ऑफ लीफ इन राइस विच इज कॉज बाय दिस ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, ये रिलीज करता है जिब्रेलिक एसिड, जो कि करता क्या है, जो इंटरनोड सेक्शन होता है किसी प्लांट का उसका इलोंगेशन करता है। पत्ता गोभी देखते हैं एक गठी होती है, लेकिन एक होती है बड़ी खुली होती है, उसमें जिब्रेलिक एसिड बाहर से भी लोग डाल देते हैं जिसकी वजह से वो इंटरनोड बढ़ जाता है। तो ये दोनों बातों ही ड्यूट्रोमाइसिस। आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे, लाइकेंस क्या होता है और माइकोराइजा क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइकेंस से। लाइकेंस जो होता है वो एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा हो। इसमें होता क्या है, एक पार्ट होता है एल्गल पार्ट और दूसरे को हम लोग कहते हैं फंजाई वाला पार्ट। एक होता है एल्गल पार्ट और एक होता है फंजाई का पार्ट। फंजाई जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं माइकोबायोंट, और एल्गल को हम नाम देते हैं फाइकोबायोंट। एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसी वजह से ये फूड का प्रोडक्शन करता है। तो ये काम करता क्या है, ये फूड को देता है फंजाई को। फंजाई ग्रीन कलर का तो नहीं होता, लेकिन इसके पास रूट पाया जाता है अच्छा खासा, और ये शेल्टर दे सकता है। तो फंजाई का अगर काम पूछा जाए तो हम कह सकते हैं वाटर और शेल्टर, ये दोनों देना किसको, एल्गी को, और ये लोग आपस में एक दूसरे से एसोसिएशन बना के रहते हैं। तीन तरीके में होता है क्रस्टोस फोलियोज एंड फ्रूटियोज। क्रस्टोस फोलियोज एंड फ्रूटियोज।
लाइकेंस का इस्तेमाल पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पर ये ग्रो ही नहीं करेगा जहाँ पॉल्यूशन हो और स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इसको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो लाइकेंस वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। अगला बात होता है माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा एसोसिएशन होता है फंजाई का रूट के साथ। अब फंजाई रूट के ऊपर जब अटैक करता है तो वो एंडो भी हो सकता है और एक्टो भी हो सकता है। यानी एंडो का मतलब है कि ये रूट है तो उसके अंदर की ओर, या एक्टो का मतलब है उसके बाहर की ओर। दोनों तरीके से फंजाई और रूट का एसोसिएशन पाया जा सकता है। फंजाई, फिर से हम बता देते कि फंजाई क्या करता है, इनको क्या करने लगता है, वाटर की सप्लाई देता है। और रूट जो इनको बेसिकली दे रहा है वो क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, यानी रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है रूट से। तो ये बातें हुई पूरी इस चैप्टर को कंप्लीट करके। थैंक यू।